शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी ने आज तुर्बे स्टोर्स के मतदाताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां नागरिकों को पैनल पद्धति से होने वाले मनपा चुनाव के लिए जानकारी दी गई। इस अवसर पर शिवसेना पदाधिकारियों ने चुनाव प्रक्रिया वोटिंग में सहभागिता के लिए मार्गदर्शन किया। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। पहली बार पैनल पद्धति से हो रहे इस चुनाव की जानकारी नागरिकों और मतदाताओं को मिले, इसके लिए तुर्बे स्टोर्स में मतदाताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिवसेना के स्थानीय नेता सुरेश कुलकर्णी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उप शहर प्रमुख प्रकाश पाटिल, युवा समाज सेवी महेश कुलकर्णी समेत तमाम पदाधिकारी ने यहाँ मतदाताओं का मार्गदर्शन किया। वरिष्ठ नगर सेवक सुरेश कुलकर्णी ने कहा कि इस बार का चुनाव पैनल पद्धति से हो रहा है, इसलिए मतदाताओं को जागरूक करना जरूरी है, जिसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। ये मीटिंग के पीछे हम लोग को हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार हम लोग का ही चर्चा होते रहते। आज हमारा उप जिला प्रमुख प्रकाश पाटिल के साहब माध्यम से वो मीटिंग लगाई कि हर एक वार्ड का हम लोग बच्चे लोग कार्यकर्ता को बुलाते, उसमें अपने को आगे कैसा काम करना है, इसके आगे अपने को चलो चुनाव आए 4 महीने अभी और बाकी है, उसके बाद में अपने को कैसे तैयारी करने के, इसके बारे में हम लोग कार्यकर्ता का मीटिंग रहे। हम पहले से नगर सेवक थे, 25 साल से था और आगे भी रहेंगे। आज भी हमारा ये चुनाव नहीं हो गया, अभी भी मेरे काम करने का अथॉरिटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।